हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षास लर्निंग हब। फ्रेंड्स, सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2022 के लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम उसी के अंतर्गत देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो कि हमारी 24 होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर क्लासिफाइड फॉलोइंगली। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार, यानी उच्चारण करने के तरीके, यानी बोलने के तरीके के अनुसार कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी व्यंजन ध्वनियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है इसमें प्लोसिव्स। प्लोसिव साउंड्स कौन से होती हैं फ्रेंड्स? वे साउंड्स जिनमें एयर जो है पहले मुंह के अंदर काफ़ी देर तक क्लोज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और फिर एक सडन प्लोजन के साथ, अचानक से झटके के साथ मुंह से जब एयर बाहर निकले तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो इसीलिए इनको प्लोसिव साउंड्स कहते हैं। जैसे कि आपने एक्सप्लोजन सुना होगा, एक्सप्लोड हो जाना किसी भी चीज़ को, उसी से इसको कनेक्ट करते हुए समझिए। जब अचानक से एयर मुंह से बाहर निकलेगी एक तेज प्लोजन के साथ में, तो उसी को, उन्हीं साउंड्स को हम प्लोजिव्स कहते हैं। ये संख्या में टोटल 6 हैं, प, ब, ट, ड, क और ग। प और ब जो हैं वो बाइलेबियल प्लोजिव्स कहते हैं। अगर इनको हम इनके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये बाइलेबियल प्लोजिव्स हैं। ट और ड एलोवेलर प्लोजिव्स हैं। क और ग वेलर प्लोजिव्स कहलाते हैं। सेकंड है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स क्या होते हैं? ये साउंड्स जो हैं इनमें भी एयर मुंह के अंदर स्टॉप हो जाती है, बट ये प्लोजिव से कैसे डिफरेंट है? एयर स्टॉपेज तो होता है मुंह में, परंतु जब एयर रिलीज होती है वो एक सडन मूवमेंट में नहीं होती है, वो एक स्लो रिलीज होता है एयर का। तो ये इस तरह से ये प्लोजिव से डिफरेंट होते हैं। ये संख्या में दो होते हैं, च और ज। ज, इस साउंड को आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, इसका कॉन्सेप्ट। ये कौन सी साउंड है? जॉइन, जैसे हम बोलें जॉइन, तो ये वाला ज जो है ये वाली साउंड है। थर्ड है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्या, कौन सी साउंड्स होती हैं? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी एयर जो है वो फुली ब्लॉक्ड नहीं होती है, कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर नहीं होता है मुंह के अंदर, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी थोड़ा कम एयर ब्लॉक तो होती है परंतु थोड़ी कम होती है। देन एयर रिलीजेज विद फ्रिक्शन। और दूसरी और क्या खास बात है, एयर रिलीज भी कैसे होती है? फ्रिक्शन के साथ, घर्षण के साथ, ठीक है ना? तो उनको क्या कहते हैं? फ्रिकेटिव्स को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 9 होते हैं टोटल संख्या में। कौन कौन से? फ, व, थ, द, स, ज। ये ज साउंड का सिंबल है। श, ज, ये वाली कौन सी साउंड होती है? हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे विजन हम बोलें तो श और ज की जो मिक्स साउंड आती है वो साउंड है। और ह, ये टोटल 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं। फोर्थ है नेजल साउंड्स। नेजल, ये तो नाम से ही क्लियर है, एयर जो है मुंह में आपके थोड़ी देर क्लोजर होगा एयर का, रुकी रहेगी एयर, और फिर रिलीजिंग ऑफ एयर जो है थ्रू द नोज होगा, यानी कि नाक के जरिए जो एयर है वो रिलीज होगी। तो ये साउंड्स थोड़ी सी नेजल होती हैं। और ये कितनी हैं? 3 साउंड्स हैं ये। कौन कौन सी? म, न और एक ये वाली साउंड, इसको बोलते हैं अंग। कौन सी साउंड है? जैसे हम अगर बोलें सिंग, सिंग जो ये अंग वाली साउंड जो है इसको बोला जाएगा, ये वाली साउंड है, इसका ये सिंबल होता है। तो ये फोर्थ नंबर पे नेजल, जो 3 साउंड्स होती हैं। लास्ट है हमारे अप्रॉक्सीमेंट्स। अप्रॉक्सीमेंट्स संख्या में 4 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है य, ये जो सिंबल है य का सिंबल है, और व, ठीक है, ये दोनों साउंड्स य और व, इनको सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। ये थोड़े सॉफ्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, इन्हें सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट र। र की क्या खास बात है कि इसमें कोई भी ऑडिबल फ्रिक्शन तो होता है, बट ऑडिबल फ्रिक्शन यानी सुनाई इसमें नहीं देता है फ्रिक्शन। लास्ट है इसमें ल। ल जो है उसको लिटरल अप्रॉक्सीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार आप इसको अप्रॉक्सीमेंट से अलग करके इसको लिटरल साउंड भी कह देते हैं, तब ये अप्रॉक्सीमेंट 3 साउंड्स हो जाएंगी। और अगर आप ल को भी अप्रॉक्सीमेंट यानी लिटरल अप्रॉक्सीमेंट मानते हुए अगर हम इसको ऐड करें तो ये 4 साउंड्स होती हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स।
अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें हमें कोई भी साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रॉक्सीमेट साउंड, ठीक है, य दे दिया, व दे दिया, और जैसे र दे दिया, और एक कोई डिफरेंट साउंड दे दी, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली साउंड इसमें से अप्रॉक्सीमेट नहीं है। या दूसरे तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिकेटिव साउंड, निम्नलिखित में से फ्रिकेटिव साउंड कौन सी है, तीन साउंड डिफरेंट, तीन साउंड अलग दे दी और एक उसमें फ्रिकेटिव दे दी, फिर आपको उसमें से चूज करना होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शिक्षा लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।